properties of determinant. Question number 26, second part. By using properties of determinant, prove that first law of determinant is y plus z, x plus y, x, z plus x, y plus z, y, x plus y, z plus x, z is equal to x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. ये आपको प्रूव करना है ना? इसके लिए क्या करते हैं? डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, ठीक है? तो बिफोर एक्सपेंडिंग डिटरमिनेंट वी मेक मैक्सिमम जीरो इन एनी वन ऑफ जीरो आर वन, ठीक है? तो फर्स्ट रो डिटरमिनेंट इज y + z x + y x, सेकंड रो इज z + x y + z एंड y, थर्ड रो इज x + y और z + x एंड z, है ना? अब देखिए क्या करते हैं, किसी एक रो और कॉलम के सभी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है? फिर जीरो बनाएंगे। तो आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है? आइडेंटिफाई करने के लिए हम फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम क्या करते हैं, सम सिवाय फर्स्ट कॉलम में डिफरेंट डिफरेंट करें, क्या होगा x प्लस y प्लस z
एक्सटर्नल की वैल्यू दे दी होगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर माइनस माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस, ठीक है। अभी इसको मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स क्यूब मिलेगा प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब, ये जेड क्यूब और माइनस थ्री एक्स वाई जेड, इसका एक्सपेंशन ये होता है। देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड का एक्सपेंशन क्या होता है, ये होता है, ठीक है। This expansion period.